हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगे आई सी टेन के बारे में मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई सी टेन तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि आई सी टेन क्या है एंड उसके बाद हम इसके अंडर कैटेगरीज़ देखेंगे कि आई सी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं तो सबसे पहले हम आई का फुल फॉर्म जान लेते हैं आई क्या होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आई क्या है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ द आई सी डी टेन इज अ कोऑपरेटिव प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो आई सी डी टेन क्या है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यू एच ओ के लिए वर्क कर रहा है यानी कि एक डब्ल्यू एच ओ का ही एक पार्ट है जिसके अंदर क्या है काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर के काम कर रही हैं ठीक है ठीके? ये एक ग्रुप है आई सी टेन जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलकर के काम कर रही हैं किसके लिए डब्ल्यू के लिए काम कर रही हैं द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ यानी कि आई सी डी इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन फॉर अ वाइड वराइटी ऑफ हेल्थ कंडीशन यानी कि इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है यानी कि जो आई है ये क्या है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन्होंने तय किया है जिसमें क्या करेंगे ये कुछ एक डायग्नोस हैं जो उन्होंने इस कैटेगरी में यानी कि क्लासिफाई किया है ठीक है यहाँ पर इन्होंने कुछ एक डायग्नोसिस हैं यानी कुछ एक हेल्थ कंडीशंस हैं जिसको उन्होंने आईसीडी 10 टेन के अंडर लिया है नेक्स्ट आता है इसमें चैप्टर फाइव ऑफ आई सी डी फोकस ऑन द मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर एंड कंसिस्ट ऑफ टेन मेन ग्रुप कोडिंग अंडर एफ़ जीरो ज़ीरो टू एफ़ ज़ीरो नाइन तो यहाँ पर बताया गया कि, कि जो चैप्टर फाइव है जिसमें आईसीडी यानी कि पूरा चैप्टर जो है वो आईसीडी पर फोकस्ड है यानी कि मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर यानी कि पेशेंट के मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर ही चैप्टर फाइव के अंदर पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं और इसको दस मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उनको एक कोड दिया गया है ठीक है यानी कि दस ग्रुप बनाए हैं उनको अलग अलग कोड दिए हैं जैसे कि एफ़ ज़ीरो ज़ीरो एफ़ ज़ीरो नाइन तो यहाँ पर एफ़ ज़ीरो ज़ीरो से जो है ये ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और एफ़ ज़ीरो नाइन तक है टोटल टेन ग्रुप हैं और एफ़ ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट होकर के एफ़ ज़ीरो नाइन तक ये ग्रुप होने वाले हैं चलिए अब हम इसके ग्रुप्स देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक टेबल पूरा यहाँ पर टेबल बनाया गया है आई सी डी टेन यहाँ पर देखिए आई सी डी टेन का पूरा टेबल दिया हुआ है तो कौन से ग्रुप में कौन से हेल्थ कंडीशन आ रही है यहाँ पर वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि एफ जीरो जीरो एफ जीरो जीरो में क्या क्या आने वाला है ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग द सिम्प्टोमेटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर ठीक है एफ़ जीरो वन में मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू द यूज़ ऑफ़ द साइकोएक्टिव सब्सटेंस ठीक है यानी कि मेंटल डिसऑर्डर आएंगे बिहेवियर डिसऑर्डर आएंगे किससे यानी कि जो मान लीजिए साइकोटिक सब्सटेंस यूज़ किए हैं उससे रिलेटेड मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो हैं वो एफ़ जीरो वन में होंगे एफ़ ज़ीरो टू एफ जीरो टू में होंगे स्कीज़ोफ्रेनिया स्कीजोटाइप एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर तो यानी कि एफ़ ज़ीरो टू में स्किजोफ्रेनिया होंगे स्कीजो टाइप्स होंगे और डिल्यूजन डिसऑर्डर जो हैं वो सारे एफ़ जीरो टू में हो सकते हैं उसके बाद आता है ज़ीरो एफ़ ज़ीरो थ्री मूड डिसऑर्डर्स ठीक है जैसे कि मेनिया है बाइपोलर है ये क्या है मूड डिसऑर्डर हैं वो एफ़ ज़ीरो थ्री में आपकी इंक्लूड होंगे एफ़ ज़ीरो फोर में न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड समोटाफोम डिसऑर्डर्स ठीक है उसके बाद एफ जीरो फाइव में बिहेवियर सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर उसके बाद आते हैं हमारे एफ जीरो सिक्स में डिसऑर्डर ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इन एडल्टसन एफ जीरो सेवन में आएंगे मेंटल रिटार्डेशन एंड एफ जीरो एट में होंगे डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एफ जीरो नाइन में होंगे बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर विद वन सेट यूजुअली अकरिंग इन द चाइल्डहुड एंड एडोल्टन तो यहाँ पर आपसे सिर्फ आई सी डी टेन अगर आपसे पूछा जाता है कि आई सी डी टेन क्लासीफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अंडर आई सी डी टेन ठीक है तो आपने ये सारे एफ़ ज़ीरो ज़ीरो से लेकर के एफ़ ज़ीरो नाइन तक आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है आपने अगर आपसे सिर्फ फ़ाइव या टू या फोर मार्क्स में पूछा जाता है तो सिर्फ आप इतना ही लिख सकते हैं और अगर इससे ज़्यादा अगर मार्क्स में पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप डिसऑर्डर को डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरह के डिसऑर्डर होंगे क्या क्या सिम्टम होंगे ठीक है मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग